तो बच्चों अब जो लेक्चर नंबर 2 हम लोग करने जा रहे हैं, इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग जो टॉपिक डील करेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके अलावा हम लोग डील करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस चार टाइप के आपके, एक हो गया कंडक्टर, एक हो गया सेमी कंडक्टर, एक हो गया इंसुलेटर और एक हो गया सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, तो ये चार चीजें बच्चों हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। चार्ज को मैं क्यू लेटर से डिनोट करूंगा। टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, या हम ये कह सकते हैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का भी जो टोटल चार्ज होता है वो कैसा होता है, कॉन्स्टेंट होता है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टोटल चार्ज, इंडिविजुअल चार्ज नहीं, टोटल चार्ज हमेशा कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि आपने कहीं पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस किया तो साइमल्टेनियसली पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर आपने प्लस एनी पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस किया तो साइमल्टेनियसली माइनस एनी चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और टोटल चार्ज प्लस माइनस जीरो, यानी जैसे पहले चार्ज नहीं था बाद में नहीं रहेगा, टोटल चार्ज क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है ना। अच्छा भाई, अब कहने का मतलब ये है कि जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि तीन मेटेलिक स्फेयर्स है ना, मेटेलिक स्फेयर आपको दिए गए तीन, याद रखिएगा मेटेलिक स्फेयर्स है, इनके नाम है एक्स वाई एंड जेड, और इन पे चार्जेस की वैल्यू दे दी गई है 10 कूलम, -10 कूलम एंड 10 कूलम रेस्पेक्टिवली, इनकी वैल्यू दे दी गई है। इसके बाद इनको बच्चों कांटेक्ट में लाया गया है, दे ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि दे ब्रॉट इनटू कांटेक्ट सच दैट चार्जेस ऑन ईच ऑफ एक्स एंड वाई बिकम्स 3c, यानी बच्चों कि एक्स पे 3c हो जाता है बाद में कांटेक्ट के बाद, और वाई पे भी 3c मतलब 3 कूलम हो जाता है। तो इन्होंने कहा है कि बाद में इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो आप बताइए, ये क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन ना समझ में आया तो एक बार रिपीट करके सुन लीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, क्यू टोटल इनिशियली, शुरुआत में क्यू टोटल हमारा कितना था, 10 कूलम प्लस -10 कूलम प्लस 10 कूलम, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 10 कूलम। अब इसके बाद क्यू टोटल फाइनली, अब क्यू टोटल हमारा फाइनली कितना होगा, 3 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस क्यू कूलम हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल। क्यू इनिशियल 10 कूलम था, क्यू फाइनल आपका 6 प्लस क्यू हो गया, तो जो ये क्यू आ गया ये 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 कूलम आ गया बच्चों। ठीक है, तो सी वाला स्फीयर पर जो चार्ज है वो कितना आ गया, 4 कूलम चार्ज आ गया। ठीक है ना। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका डिटेल हम बाद में गॉस लॉ में सिखाएंगे। अगर कोई अन ईवन सर्फेस दी है तो जो सर्फेस जितनी कर्व्ड होती है, यहाँ पे चार्ज क्यू मोर कलेक्ट होता है। ठीक है, जितनी भी कर्व सरफेस होगी, पॉइंटेड सरफेस होगी, यहाँ कलेक्शन ऑफ चार्ज आपका क्या होता है, वो ज्यादा होता है। और एक बात और कि स्टैटिक चार्जेस, ये भी हम गॉस लॉ में आगे चल के बताएंगे, स्टैटिक चार्जेस रिजाइड्स ऑन आउटर
सरफेस, स्टैटिक चार्जेस आउटर सरफेस पे रिजाइड करते हैं। फिर ये आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर न कोई चार्ज एंटर करने दिया जाए न कोई चार्ज एस्केप करने दिया जाए, ताकि उसका क्यू टोटल कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है। अच्छा भाई, अब एक बात और, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेपरेटली कंजर्व रहना नहीं है, बल्कि ओवरऑल क्यू नेट या क्यू टोटल ओवरऑल कंजर्व होना जरूरी है। ठीक है ना। ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट और चार्ज इज कंजर्व। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आप आगे चल के मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनहीलिएशन। पेयर एनहीलिएशन ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के एग्जाम्पल हैं। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइनस और उसका काउंटर पार्टिकल पॉजिट्रॉन, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का अगर हम कोलिजन करवा दें तो ये नष्ट हो जाएंगे और केवल प्योर एनर्जी रह जाएगी। इसको बोलते हैं पेयर एनहीलिएशन। एनहीलिएशन मतलब कंज्यूम कर लेना। और अगर दो एनर्जी पार्टिकल्स को, इसकी डिटेल हम मॉडर्न फिजिक्स में देंगे, इनको अगर हम फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू ले जाएं तो वो एक नेगेटिव और साथ ही साथ इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव पैदा करते हैं। इसे हम लोग पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पर आइंस्टीन की रिलेटिविटी फॉर्मूला इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। तो पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलिएशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के एग्जाम्पल है, लेकिन इसकी डिटेल हम मॉडर्न फिजिक्स में आपको देंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलने जा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट आप देखिएगा। आप जानते हैं कि फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी, फॉर इलेक्ट्रो स्टैटिक थ्योरी, यानी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी को समझ और समझा सके, इसके लिए सब्सटेंसेस को बच्चों चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है कंडक्टर। तो कंडक्टर के पास जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री चार्जेस होते हैं, और ये न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा बाउंड नहीं होते हैं, हेंस दे कैरी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजीली। ठीक है। इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप इसके एग्जाम्पल्स में आपके कंडक्टर्स में क्या क्या चले जाएंगे, जैसे मेटल्स चले जाएंगे, ह्यूमन बॉडी चली जाएगी, अर्थ चली जाएगी, ये सारे के सारे आपके कंडक्टर के एग्जाम्पल है। कंडक्टर का बिल्कुल अपोजिट होता है इंसुलेटर। तो ऐसा नहीं कि इंसुलेटर में चार्जेस नहीं होते, बट दे आर वेरी वेरी स्ट्रांगली बाउंड टू द न्यूक्लियस, दे आर नॉट फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट इजिली। तो टाइटली बाउंड होते हैं चार्ज कैरियर्स। इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स में आपके क्या क्या आ जाएगा, जैसे ग्लास एक एग्जाम्पल हो सकता है, रबर एक एग्जाम्पल हो सकता है, इसके अलावा प्लास्टिक एक एग्जाम्पल हो सकता है। ये सारे एग्जाम्पल आपके इंसुलेटर के चले जाएंगे बच्चों। ठीक है। और एक नोट बताना चाहेंगे, अगर कोई अनचार्ज अनचार्ज या न्यूट्रल बॉडी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर चार्जेस नहीं है। इसका मतलब ये है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में, जिसकी वजह से क्यू टोटल जीरो हो रहा है बच्चों। ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, जैसे थर्ड पॉइंट, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका जो कंडक्शन होता है वो मेटल्स मतलब सॉरी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बीच में होता है, उनको हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो इनका जो कंडक्शन प्रोसेस होता है, यानी कि इनके जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, ये न्यूक्लियस से ना बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं ना बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं। एंड दिस इज द रीजन, आप जो लाइन में बता रहा हूं इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, कि सेमीकंडक्टर्स में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का बॉन्ड लूज होता है, यानी में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलते हैं, यानी कंडक्शन बढ़ता है। यानी सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है,
ये सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट है, जबकि मेटल्स में कंडक्टर्स में इसका उल्टा होता है। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे कि एक तो उनके जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ऑलरेडी फ्री है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उनका बढ़ना कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि पहले ही फ्री, तो अब कहां से निकलेंगे। रादर देन इफेक्ट ये होता है कि जो न्यूक्लियसेस बचे हुए हैं, जो रिमेनिंग एटम बचा हुआ है, उनका वाइब्रेटरी मोशन बढ़ जाता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो उनमें इनके वाइब्रेशन से, एजिटेशन से आपका रेजिस्टेंस ज्यादा पैदा होता है। इसीलिए कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कम होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और सेमीकंडक्टर्स में इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब लास्ट मटेरियल है आपका, उस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। बच्चों उस मटेरियल को अगर हम कहीं पे रेजिस्टेंस जीरो कर दें, तो उसका कंडक्शन जो होता है वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना, कंडक्शन उसका इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। तो ये परफेक्ट कंडक्टर्स होते हैं, बिना किसी हिंड्रेंस के चीजों को जाने देते हैं, और आराम से हमको इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्शन मिलता है। अच्छा अब बच्चों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिमेनिंग लेक्चर्स में छूट गए थे, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके और पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि हमारे चारों ओर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ही प्रिंसिपल्स आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि हमारी जो लाइट्स हैं, हमारे जो माइक्रोफोन्स हैं, हमारे कैलकुलेटर्स हैं, हमारा टीवी वीसीआर है, रेडियो है, कंप्यूटर है, ये सब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे चलते हैं बच्चों। इसके अलावा बच्चों, ये जो लाइट हमारे पास आती है, ये खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का फिनोमिना है। इसके अलावा रेनबो में जो कलर्स दिखाई पड़ते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना है। जितने भी कार चलती है, ट्रेन चलती है, मसल्स का जो कॉन्ट्रेक्शन होता है, हमारी आंखों का जो विजन होता है, हमारा जो हार्ट बीट का कॉन्ट्रेक्शन होता है, सब में इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अलावा आपने बायोलॉजी क्लास 10 में पढ़ा होगा, नर्व इंपल्स कंडक्शन में भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस का रोल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का रोल होता है। ठीक है ना, इसके अलावा बच्चों, केमिस्ट्री में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो भी प्लस और माइनस के बीच में ही होती है। जैसे कोई आप इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, प्लस माइनस चार्ज पढ़ते, उसी की वजह से होती है ना। तो आप ये समझिए कि हम अपनी दुनिया की कल्पना बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के नहीं कर सकते हैं। एक और बात बच्चों, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो 1/1837 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हल्का होता है। और एक और फैक्ट ये है कि दुनिया में लगभग 6 बिलियन पीपल हैं, लगभग 6 बिलियन पीपल है। अगर हम इतने एटम्स को, 6 बिलियन एटम्स को लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन लगा दें, 6 बिलियन एटम्स को अगर हम प्यारे बच्चों लाइन बाय लाइन लगा दें, तब जाके कहीं हमारे पास 60 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन हमको मिल पाएगी। तो इससे एक अंदाजा लगता है कि एटम्स कितने ज्यादा छोटे होते हैं। इसके अलावा बच्चों, जो न्यूक्लियस का साइज होता है आपका, जो न्यूक्लियस का साइज होता है, वो लगभग 10^-12 सेंटीमीटर के आसपास होता है, या 10^10, इसको कर लीजिए आप, 10^-15 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस की तुलना में एटम, आप देखें तो न्यूक्लियस पूरे एटम की तुलना में 10,000 टाइम्स छोटा होता है, यानी न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट 10,000 गुना छोटा होता है। ठीक है, एक बात और बताएंगे बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ग्रीक्स को 600 BC में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था, तो वो करते क्या थे, एक सब्सटेंस मिलता था, अभी भी मिलता है, उसको हम अंबर कहते हैं, एक रेजिनस सब्सटेंस होता है, उसे अंबर कहते हैं। तो अगर वो अंबर को रब करते थे चीजों से, हाथ से या किसी सब्सटेंस से, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी आ जाती थी। ठीक है, तो ग्रीक लैंग्वेज में अंबर को इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो बाद में जे.जे. थॉमसन ने दिया गया था, ग्रीक लैंग्वेज में अंबर को इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। एंड दिस इज द स्टोरी फ्रॉम वेयर द वर्ड
इलेक्ट्रिसिटी कम्स। इलेक्ट्रिसिटी शब्द यहां से बच्चों आया है, ठीक है। उस जमाने में, ग्रीक्स के जमाने में, जो वुमेन्स होती थी, जो औरतें होती थी, वो जो ज्वेलरी पहनती थी वो अंबर की होती थी। तो लोग क्या करती थी कि अपनी ज्वेलरीज को रगड़ती थी, इससे उस पर चार्जेस आ जाते थे, और फ्रॉग्स वगैरह जो होते थे, जो फ्रॉग्स वगैरह होते थे, उसको उसी ज्वेलरी से टच कर देती थी। जाहिर सी बात है कि किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से टच करेंगे तो उसको एक झटका लगेगा, इरिटेशन होगा। तो फ्रॉग्स बहुत ऊंचे ऊंचे उछलते थे और इसको ये अम्यूजमेंट की तरह लेते थे। तो एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के एक फिनोमिना को अपने मनोरंजन में प्रयोग करते थे। इसके अलावा बच्चों, हमने आपको ये बात बता दी थी कि जो आपके मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने ही सबसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का टर्म यूज किया था। इनके हिसाब से जो चार्जेस होते हैं वो एक तरीके के इलेक्ट्रिक फ्लूइड होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लूइड होते हैं, ठीक है ना। तो इनके हिसाब से इन्होंने जो बोला था कि अगर किसी सब्सटेंस में इस फ्लूइड की मात्रा बढ़ा दी जाए या किसी सब्सटेंस में इस फ्लूइड की मात्रा घटा दी जाए, तो उसी से उसके अंदर प्लस और माइनस चार्जेस आ जाते थे बच्चों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, इसको उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लूइड बोला, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन के जमाने के हो गए। अब हम लोगों ने इस चैप्टर में लगभग लगभग सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर मतलब इस टॉपिक में सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा हाँ, ये सारी चीजें हमने बच्चों आपको करवा दी हैं। तो इस लेक्चर को अब यहीं पर समापन करने का समय आ गया है बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।